हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में अपकमिंग डेल टैक्स का एग्जाम होने वाला है, डेल टैक्स आने वाली है। एंड इससे एक पहली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको डेल टैक्स की पीडीएफ बताई थी, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ये पीडीएफ कैसे मिलने वाली है। एंड वीडियो के एंड होते ही आपको ये पीडीएफ श्योरली मिल जाएगी। एंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं बोल रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन आपके डेल टैक्स एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अब ये पीडीएफ कैसे आपको मिलने वाली है वो मैं बता देता हूँ। ये कंप्लीट पीडीएफ रहने वाले हैं जिसपे आप देख सकते हो क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे इनके आपके ऑप्शंस भी रहने वाले हैं। एंड अभी आपको कैसे ले लेनी है, आपको यहाँ पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल पे आपको आ जाना है। एंड यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एंड जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे डेल्टा एक्स एमसीक्यू पीडीएफ का आपको एक सेक्शन मिल जाएगा। एंड ये जो कम्प्लीट पीडीएफ है, ये कम्प्लीट पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। आपको इस कंप्लीट पीडीएफ का आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट दिस पे जाना है, यहाँ पे आपको नेम, ईमेल, फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। एंड ये आप कहोगे 69 रुपीज़ हो गया भैया 19 से, इसको आप लोग हटाओगे तो ये जस्ट 19 रुपीज़ हो जाएगा। एंड एक बहुत मिनिमम चार्ज है, जस्ट एक टोकन अमाउंट है, इसको आपको पे करना है एंड पीडीएफ आप लोग के पास आ जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन नंबर, कन्फर्मेंट पे, जैसे आप 19 रुपीज पे करोगे पीडीएफ आपके पास होगी, कंप्लीट पीडीएफ। एंड 100% सारे के सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर से आने वाले हैं। सो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी का भी पीडीएफ ले लो। जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि भैया पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेल आ चुकी थी, कमेंट आ चुकी थी कि भैया हमें डेल टैक्स की पीडीएफ चाहिए। सो आपको फाइनली अब पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, पिन कमेंट के अंदर दे दिया है, जाओ जाके ग्रैब कर लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कोडिंग क्वेश्चन काफी चीज आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।